को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल टेकोविल्स को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेकोविल्स पे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी कार पे क्या क्या एक्सेसरीज लगा रखी है। जी हाँ, सबसे पहले ये देखिए, एक बार आप साइड का व्यू देख लीजिए, फिर मैं एक एक करके बताऊँगा और उसकी प्राइसिंग बताऊँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, शुरुआत में ही सबसे पहले मैं करता हूँ कि मैंने क्रोम डोर हैंडल लगवा रखा है। देखिए यहाँ पे सेंसर है, तो सेंसर की भी जगह दी गई है इसके, चारों डोर्स पे है। ये मुझे पड़े 650 के। दूसरी बात करें, ये हो गया डोर वाइजर जो कि क्रोम इंसर्ट के साथ है। ये गैलियो कंपनी का है, इसलिए ये मुझे 1100 रुपये के पड़े हैं, अदरवाइज 550 और 600 की रेंज में भी थे। तो तीसरी चीज की बात करें, तो तीसरा ये विंडो गार्निश क्रोम कलर में, देखिए ये आगे तक जाता है यहाँ तक, ये मेरे को पड़ा है 600 रुपीज़ का। और ये पॉपअप की बात करें, तो पॉपअप बहुत यूज़फुल होता है, दो तरह के पॉपअप आते हैं, एक तो ये 250 का है, अदरवाइज 150 वाला भी होता है। लुक में आपको सेम ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ और क्या लगवाया, तो मैंने एक लगवाए हैं इसकी प्लेट। अगर आप कंपनी से जाते हैं तो आपको दो डोर्स में मिलते हैं फ्रंट के दोनों डोर्स पे, लेकिन क्योंकि ये आफ्टर मार्केट है 650 का, तो मुझे चारों डोर्स पे मिले हुए हैं। और बात करें आफ्टर मार्केट में, एक ही बालाजी की आइडल रखी हुई है, ये भी मैंने लगा रखा है। ये मुझे 300 का कॉस्ट नहीं होता, और साथ में साथ ये माला जो कि और लुक को एनहेंस करता है। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे कि ये टॉवल क्यों रख रखा है आपने, क्योंकि ये डैशबोर्ड ब्लैक होने के कारण रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, तो ड्राइव करने में थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैंने शुरू से ही, मैंने भी किसी भाई की वीडियो देख रखी थी इको स्पोर्ट की थी, उसने सजेशन दिया था कि यहाँ पे टॉवल रख लेना, तो ये जो है ब्लैक रिफ्लेक्शन आएगा वो आपका दूर हो जाएगा। तो अब मैं बताऊँ आपको कंपनी से क्या क्या लगा रखा है। तो एक ये नेकरेस्ट का पेयर है, ये मुझे 420 का इंच पड़ा था। इसके साथ ही साथ मैंने लगवा रखा है ये व्हील आर्केस। दोस्तों व्हील आर्केस तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो मैंने डाल रखा था, तो बहुत ही गंदे कमेंट आए थे क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद मैंने कंपनी को कंप्लेन किया और वहाँ से तुरंत रिस्पॉन्स आया, और डीलर ने हाथ के हाथ इसको अगले दिन ही ठीक करा के दिया मुझे। मुझे ये पड़े 6000 रुपीज़ के। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप मॉडल होने के कारण और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं, इतना एनफ है। जो ये क्रोम का लुक है वो कार के लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। ये देखिए आप एक बार, और ये व्हील आर्केस से ये पूरा एसयूवी लुक आ रहा है। आप देखिए दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।